नफरीत है, या तो साहिब इस्तेदात भी नहीं करता और या फिर जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर एक दूसरे पर फ़ख्र करते हुए कुर्बानियाँ करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों रवैये दुरुस्त नहीं हैं। कोई भी शख्स जो इस्तेदात रखता है कुर्बानी की, अपने रोज़मर्रा अखराजात को अलग करके अपने बजट को जो उसके डेली रूटीन के अखराजात का है उसमें से वो इतनी इस्तेदात रखता है कि वो कुर्बानी कर दे, अगर वो बकरा या छतरा वगैरह नहीं ख़रीद सकता तो वो हिस्सा ही डाल ले अपना किसी गाय वगैरह में, तो इस तरह से अगर उसके इतने पैसे निकलते हैं या वो इस तरह मैनेज कर लेता है कि उसके पास पैसे इतने नहीं हैं, लेकिन वो उतने पैसे जो हैं वो खर्च करने के बाद वो माहाना किस्तों में या किसी तरह से वो अदा कर सकता है, जिस तरह के वो दीगर उसने घर का सामान बनाया हुआ है या वो दीगर अखराजात करता है और किस्तों में वो रकम अदा कर देता है, बाकी ज़िंदगी में उसकी रूटीन है वो मैनेज कर सकता है, लेकिन जब कुर्बानी का मौका आता है वो मैनेज नहीं करता, बाकी सारे काम उसके मैनेज हो रहे हैं, हत्ता कि वो हज़ारों रुपए का जो है वो घर में टीवी भी रखता है, घर में कंप्यूटर भी रखता है, इस तरह की चीज़ें भी जिसका जो आम मामूल की ज़िंदगी है बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी से कोई ताल्लुक भी नहीं है वो चीज़ें भी रखी हुई हैं, लेकिन कुर्बानी नहीं करता। ये दोनों रवैये नाज़रीन किराम शरीयत के मुताबिक नहीं हैं। फ़ख्र के लिए, एक दूसरे पर बर्तरी जिताने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने का रवैया ये भी दुरुस्त नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि साहिब इस्तेदात होने के बावजूद कुर्बानी न करना ये दुरुस्त नहीं है, मैनेज कर सकता है फिर भी नहीं मैनेज करता, ये दोनों रवैये सही नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, इस प्यारी सुन्नत को, जो बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमाया है, इसको बेहतर अंदाज में और मोतदलाना अंदाज में करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तेदात होने के बावजूद नहीं करता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपने उससे नफ़रत का इजहार फरमाया और आपने फरमाया कि वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए, फ़ला यहदुर मसल्लाना, वो हमारी मस्जिद में ना आए, और एक हदीस में फरमाया फ़ला यक़रबन्ना मसल्लाना, वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। इसलिए ये दोनों रवैयों में इफ़रात व तफरीत से बचकर एतदाल का रवैया अपनाना चाहिए और इस सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल होना चाहिए। इसी तरह एक और हमारा जो कुर्बानी के हवाले से मसला दरपेश होता है और जिसमें हम बाज़ औक़ात इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं, वो है गोश्त की तकसीम का मसला और खाल की जो डिस्पोज़ल है, जो भी जानवर हम ज़िबा करते हैं उसकी खाल को क्या करना है और ये कि उसके जो गोश्त है उसको तकसीम कैसे करना। कुछ लोगों ने तो अपने ज़िम्मे लगा रखा है कि गोश्त के लाजिमन तीन हिस्से करने हैं और तीन हिस्से करके जो है वो कुछ अपने अपने खाने के लिए रखना है और बाकी दो हिस्से जो हैं वो तकसीम कर देने हैं। किसी ने इसके बारे में कोई अपने ऊपर लाजिम कर रखा है और किसी ने ये, बाज़ लोग ये भी करते हैं कि सारे का सारा गोश्त अब ख़ुद रख लेते हैं, उसमें से जो छीछड़े वगैरह होते हैं, जो ज़रा कम अहमियत का गोश्त होता है, वो हिस्से निकाल कर गरीबों में तकसीम कर दिए जाते हैं, अच्छा अच्छा गोश्त जो है वो निकाल के अपने लिए रख लेते हैं। ये दोनों रवैये ही दुरुस्त नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोग ये कहते हैं कि सारे के सारा जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, ख़ुद अपने लिए बस उस दिन की हंडिया का सामान हो जाए और उसको बचा के रखना ये दुरुस्त नहीं है, फ्रिज में रखना, और लोग बाकायदा उन लोगों से नफ़रत का इजहार करते हैं जो फ्रिज में बचा के रखते हैं। तो ये दोनों रवैये दुरुस्त नहीं है, इफ़रात व तफरीत पर मबनी है। एतदाल की बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि घर में रख लिया करो, यानी खुद इस्तेमाल भी किया करो और घर में रख लिया करो। कोई शख्स अगर बचा के रखना चाहता है तो वो बचा के रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गरीबों को भी खिलाओ, मिस्किनों को भी खिलाओ और अपने रिश्तेदारों को भी खिलाना चाहिए, देना चाहिए। अगर हम जो कच्चा गोश्त तकसीम कर दें या फिर पका के उनको खिला दें, दोनों तरह ठीक है। असल में सूरतुल हज की एक आयत है जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फ़कुलू मिन्हा वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, इससे तीन हिस्से जो है बाज़ मुफस्सिर ने लिखा है कि तीन हिस्से कर लेने चाहिए, और जो तीन हिस्सों का तसव्वुर है वो यहाँ से आया है कि फ़कुलू मिन्हा, ख़ुद भी उसमें से खाओ, वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, और ऐसे शख्स को भी खिलाओ जो सवाल नहीं करता, और ऐसे शख्स को भी खिलाओ जो सवाल करता है, गोया फ़ुक़रा व मसाकीन को भी खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाओ। इस तरह लोगों ने कहा, बाज़ मुफस्सिर ने इससे ये मुराद लिया है, इससे ये इस्तदलाल किया है कि मुस्तहब बात, पसंदीदा बात यह है कि गोश्त के तीन हिस्से कर लिए जाएं, एक हिस्सा जो है वो अपने घर वालों के लिए खुद खाने के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा आम फ़ुकरा और मसाकीन के लिए, उनको तकसीम कर देना चाहिए। ये बात भी ठीक है, अगर कोई शख्स इस तरह से कर ले तो
तो ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर किसी के घर के अफराद ही इतने हैं कि वो खुद खा लें तो जो भी कुर्बानी का गोश्त है वो ख़त्म हो जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें से कुछ लोगों को दे दिया जाए और कुछ जो है वो खुद खा लिया जाए, और अगर कोई शख्स बचा के रखता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि गोश्त की तकसीम में फ़ुकरा और मसाकीन का हिस्सा लाजिमन होना चाहिए, और सिला रहमी का तकाजा ये है कि उसमें अकरबा को भी शामिल किया जाना चाहिए, अगर इस बात की गुंजाइश हो गोश्त के अंदर तो उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। और खाल की डिस्पोज़ल के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी खींचतानी मौजूद होती है और मुख्तलिफ तंजीमें खालें इकट्ठी करती हैं और खाल को क्या करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाल के बारे में ये फरमाया है कि खाल ना तो मजदूरी में दी जा सकती है और ना बेच कर उसकी कीमत इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता अहले खाना ख़ुद खाल को इस्तेमाल करना चाहें, उसको बेचे बग़ैर ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते या उनके पास कोई इस्तेमाल का कोई तरीका नहीं है तो फिर उनको लाजिमन वो किसी को सदका कर देनी पड़ेगी, और वो देनी पड़ेगी, या तो सदका करेगा या ख़ुद इस्तेमाल करेगा, बेच के उसकी कीमत नहीं खा सकता, ना ही वो मजदूरी में दे सकता है। लिहाजा कोई शख्स देनी तो सदक़े में है और मजदूरी में भी नहीं देनी, और अगर वो बेचना ही उसको लाजिम हो गया तो बेच के भी कीमत उसकी सदका ही करेगा, वो अपने पास नहीं रख सकता। बेहतर यह है कि खाल को वैसे ही किसी सदक़े की जगह पर दे दिया जाए, और सदक़े की जगह पर किसको दिया जाए, मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं खालें इकट्ठी करने का बंदोबस्त करती हैं, और एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खींचातानी माशरे के अंदर मौजूद होती है। खालों का मुकाबला चलता है किसने कितनी खालें इकट्ठी की, तो बहरहाल उनकी नीयतें उनके साथ, आप उनमें से जिसको भी बेहतर अल्लाह के दीन का काम करते हुए देखें उनमें से किसी को भी जो है वो खाल दी जा सकती है। बेहतर ये है कि किसी ऐसी जगह सदका किया जाए जो अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन मसरफ मौजूद, जो भी सिचुएशन हो मौजूद हालात के मुताबिक, जहाँ पे बेहतरीन अल्लाह की राह में ख़र्च किया जा सकता हो वहाँ पे ये खाल जो है वहाँ दे देनी चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसको मजदूरी में नहीं देना और ना ही इसको बेच के इसकी कीमत खानी। हाँ, अलबत्ता अगर घर में कोई इस्तेमाल के लिए चमड़ा वगैरह ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चूंकि फी ज़माना इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं होती, इसलिए बेहतर ये है कि किसी इस जो खैर की जो तंजीमें हैं, खैर का काम करने वाली रफाही तंजीमें, उनमें से किसी को दे दिया जाए जो अल्लाह के दीन का काम कर रही हैं। और इसी तरह एक जो ख़ास तौर पर ईद के मौका पर, ईद चूँकि खुशी का मौका है, तो इसमें दो तरह के इफरात व तफरीत के रवैये हमें मिलते हैं। एक तो लिबास में, यानी मज़ीद रवैये हमें लिबास के अंदर भी इफरात व तफरीत होती है कि बहुत सारे लोग इस खुशी के मौका पर तफरीह के नाम पर इंतहा दर्जे की खुराफात में मुबतला हो जाते हैं, और फिर लिबास के अंदर भी ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरी तौर पर मना फरमाया है। मिसाल के तौर पर, हम आम तौर पर जब ईद का लिबास पहनते हैं, ज़ाहिर है नया लिबास पहनना चाहिए, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, लेकिन उस लिबास में वो जो बुनियादी तकाज़े हैं शरीयत के, उसको कभी जो फरामोश नहीं करना चाहिए। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर टखनों से नीचे कोई कपड़ा होगा किसी का, तो एक तो वो अहादीस हैं जिसमें तकब्बुर की वजह उसमें बताई गई है कि तकब्बुर की वजह से कोई शख्स अगर नीचे करता है तो ये अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है, और बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई शख्स तकब्बुर से अपनी चादर नीचे छोड़कर चला, अल्लाह ताला ने उसके उस तकब्बुर और गुरूर की वजह से उसको ज़मीन में धंसा दिया और फरमाया कि वो क़यामत तक ज़मीन से नीचे ही जाता जाएगा। ये तो फ़ख्र के हवाले से है, और बाज़ लोग बहाना ये करते हैं कि टखनों से नीचे हम करते हैं लेकिन हम फ़ख्र से नहीं करते। तो गुजारिश ये है कि बुखारी शरीफ की वो हदीस जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा असफला मिनल कअबैन मिनल इज़ार फ़िन नार, कि इसमें फ़ख्र का ज़िक्र ही नहीं है। जो भी कपड़ा मर्द का कपड़ा या चादर या पजामा जो भी टखने से नीचे होगा, मा असफला मिनल कअबैन मिनल इज़ार तहबंद, जो भी टखनों से नीचे होगा फ़िन नार, वो आग में है। इतनी बड़ी वईद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई है। लिहाजा मर्दों को लिबास पहनते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसकी दूसरी जानब जो ख़वातीन हैं वो अपना लिबास मुख्तसर से मुख्तसर करती जा रही हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो औरत है वो पूरी की पूरी जो है वो सतर है, उसका पूरा जिस्म सतर है, उसको अपना आप छुपाना चाहिए। और ख़ास तौर पर गैर महरम मर्दों से
जो उसकी हर किस्म, कोई जगह ऐसी नहीं उसके जिस्म की जो उसको इजाज़त हो कि वो दूसरों के सामने जाहिर कर दे, वो पूरी की पूरी सतर है। और सतर और हिजाब का भी एक अलग मसला है कि कौन सी चीज़ें हिजाब में दाखिल हैं और कौन सी चीज़ें सतर में। लेकिन इससे कता नज़र हम जब लिबास की बात करते हैं तो ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए ख़वातीन के लिबास के हवाले से। जब हम देखते हैं, जब हमारा रवैया ये है लिबास के हवाले से कि ईद को खुशी का मौका समझते हुए ख़वातीन ऐसे जर्क बर्क लिबास पहनती हैं और उस लिबास में जो बुनियादी शरी तकाज़े हैं उनको फरामोश कर देती हैं, और ऐसी ख़वातीन के लिए जो पूरा लिबास नहीं पहनती और लिबास पहनने के बावजूद बरहना महसूस होती हैं, उन ख़वातीन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही सख्त वईद फरमाई है। आपका फरमान है कि सिनफान मिन अहलिन नार लम अराहुमा, दो ऐसे गिरोह अहलुन नार में से, आग वालों में से, असहाब जहन्नम में से दो गिरोह ऐसे हैं जो अभी पैदा नहीं हुए, बाद में पैदा होंगे। एक तो आपने फरमाया कुछ हुक्मरान ऐसे होंगे कि जो जिनके पास कोड़े होंगे कि कौमुन माहुम सियातुन कातना बिलबकर, यानी गाय की दुमों की तरह उनके पास कोड़े होंगे, यद्रिबून अभिन्नास, उससे लोगों को मारेंगे। गालिबन इनसे मुराद हुक्मरान हैं या उमरा हैं जो लोगों के ऊपर जुल्म व सितम रवा रखेंगे। तो फरमाया एक तो वो लोग हैं, वो भी जहन्नमी हैं जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। दूसरी सिन्फ और दूसरा गिरोह जो अहले जहन्नम का है, फरमाया वो ख़वातीन हैं, वह निसा, वो ख़वातीन हैं। कौन सी ख़वातीन? कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, वो ख़वातीन हैं जो लिबास तो पहनती हैं लेकिन लिबास पहनने के बावजूद बरहना रहती हैं, नंगी रहती हैं, यानी लिबास पहनने के बावजूद उनका सतर नहीं छुपता। तो ऐसी ख़वातीन के बारे में फरमाया कासियातुन आरियात, लिबास पहनने के बावजूद बरहना हैं, मुमीलातुन माइलातुन, खुद भी वो इख्तलात मर्दुज़न, यानी मर्दों की तरफ वो खुद भी मायल होती हैं और बुराई की तरफ मायल होने वाली भी हैं और बुराई की तरफ मायल करने वाली भी हैं, मुमीलातुन माइलातुन। फिर उसकी मजीद वजाहत फरमाई कि रऊसुहुन्न कअस्नमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर जो हैं, सरों के ऊपर उन्होंने यूं बनाया हुआ होता है, कअस्नमतिल बुख्तिल माइला, बुख्ती ऊँटों की कुहानों की तरह एक तरफ झुके हुए उन्होंने बाल बनाए हुए होते हैं। यानी इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो अपने बाल संवार के बना के ऊपर जूड़ा करके और लोगों के सामने निकलती हैं और बरहना लिबास पहनने के बावजूद बरहना नजर आती हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, बल्कि साथ फरमाया कि वो ना सिर्फ ये कि जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती बल्कि फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, ला यजिदना रीहहा, उसकी वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जबकि फरमाया व इन रीहहा ला यूजदु मिन मसीरत कदा व कदा, जबकि उसकी जो खुशबू है, जन्नत की जो खुशबू है, वो तो दूर दूर तक लोगों को आएगी, और ऐसी ख़वातीन जो ऐसा लिबास पहनती हैं वो उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इस रवैये से परहेज़ करना चाहिए। एक और रवैया जो मर्दों के हवाले से ख़ास तौर पर है, और वो मैं अर्ज़ करूँ कि वो है दाढ़ी के हवाले से, और लोग मसला भी पूछते हैं, ख़ास तौर पर ये जो कुर्बानी से पहले 10 अय्याम ज़िलहज हैं, ज़िलहज का जो पहला अशरा है, इसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुर्बानी करनी है वो फलाता खुद मिन शारिही व अजफारिही, वो अपने नाखून ना काटे और अपने बाल ना काटे। तो मुझे किसी ने मसला पूछा और मैं हैरान रह गया कि उसने कहा कि एक किसी मौलवी साहब ने ये फतवा दिया है कि इसमें दाढ़ी शामिल नहीं है, कि दाढ़ी काट सकता है। मैंने पूछा भी वो क्यों? कहते हैं जी वो इसलिए दाढ़ी काट सकता है कि दाढ़ी तो वैसे ही काटना ममनू है, लिहाजा ये जो पाबंदी है ये तो जायज़ काटने वाले बालों पर है, तो दाढ़ी काटना तो वैसे ही नाजायज़ है, और दाढ़ी चूँकि वो वैसे ही नाजायज़ है लिहाजा वो काटता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो चीज़ उमूमी तौर पर गुनाह है वो अशरा ज़ुलहज में तो बड़ा गुनाह है। और फिर ख़ास तौर पर लोग ये करते हैं रमज़ान में, इतकाफ़ में लोग ये करते हैं कि इतकाफ़ में दाढ़ी बढ़ जाती है, और ईद वाले दिन जो सुबह सुबह खुशी का इजहार करते हैं शेव करके जो है वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। इसी तरह जो इन 10 दिनों में अगर दाढ़ी भी नहीं काटते तो वो ईद वाले दिन जो है वो सबसे पहले दाढ़ी काटते हैं। ये अजीब व गरीब रवैया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का रवैया है, ये शरीयत इस्लामिया की नाफरमानी का रवैया है। इस रवैये से भी इज्तनाब करना चाहिए। शक्ल
अक्ल, मामूल, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर वो माहौल, घरों का माहौल वो पसंद करना चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहौल था। शक्ल वो पसंद करनी चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल थी। अगर कोई शख्स इस तरह का रूप पसंद नहीं करता तो ये तो एक इंतहाई ख़तरनाक रवैया है, इससे बचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानने से इनकार कर दें कि ये मेरी उम्मती नहीं। इसी तरह नाज़रीन इकराम, एक और रवैया है कि ख़वातीन जब घर से निकलती हैं ईदगाह के लिए तो या दीगर उमूर के लिए तो वो खुशबू लगा के निकलती हैं, और खुशबू भी ऐसी कि लोग जो हैं वो सूंघते ही हैरान रह जाएं और लोग परेशान हो जाएं, ऐसी ऐसी आला खुशबू लगा के ख़वातीन घर से निकलती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी खातून घर से निकली, अय्युमा इमरातुन इस्तअतरत, किसी भी खातून ने अगर खुशबू लगाई, फमर्रत बिल कौमी, फिर वो किसी ऐसे लोगों के ग्रह के पास से गुज़रती है, लियजदू रिहा, और वो इसलिए उनके लोगों के अंदर से गुज़रती है ताकि लोगों को खुशबू आए, उनको पता चले कि जनाब मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं मौजूद हैं और मैं ऐसी खुशबू वाली औरत हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई खातून खुशबू लगा के ऐसे लोगों में से गुज़रती है, फ़हिया ज़ानिया, तो ऐसी खातून ज़ानिया है, हालाँकि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसको ज़िना शुमार किया जा सके, लेकिन चूंकि वो खुशबू लगा के निकली है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये इतना ख़तरनाक रवैया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जानिया करार दिया है। और जानिया का जो गुनाह है वो मालूम है सबको कि अगर तो गैर शादीशुदा है तो उसके लिए 100 कोड़े हैं, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत इस्लामिया ने जो उसके लिए सज़ा मुकर्रर की है उसको जीने का भी हक नहीं है, उसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए, इसलिए कि उसने माशरे के अंदर बेहयाई फैलाई है और ये इतना बड़ा गुनाह है। कोई खातून जो है सिर्फ खुशबू लगाने से जानिया करार पाती है तो इससे बड़ी वईद और क्या होगी, इस तरह के रवैये से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह ईद के मौके पर और दीगर खुशियों के मौके पर एक और काम हम करते हैं कि मर्द व जन का जो इख्तलात है वो अपने उरूज को पहुँच जाता है। इख्तलात मर्द व जन वैसे ही गुनाह है, और किसी भी मौके पर जो ख़वातीन और ख़ास तौर पे आप जो अहले मगरब हमें एक नई जो मुआशरत दे रहे हैं और हम जो उन अहले मगरब की नकल में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो ख़वातीन मर्दों से मुसाफा करती हैं, मर्द ख़वातीन से मुसाफा करते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं, गपशप करते हैं, टच भी होते हैं, इख्तलात मर्द व ज़न भी होता है, सब कुछ होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि